नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा लुक शेयर करने जा रही हूँ, रक्षाबंधन स्पेशल, जो कि आप डे के टाइम करोगे तो बहुत ही नेचुरल दिखेगा। आप देख ही सकते हो, अभी भी मैं भी दिन में ही क्यों हूँ, सूर्य भगवान भी है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ऐड की हूँ, वो आपको वीडियो में चलते चलते पता चल जाएगा क्यों की हूँ, और आप लोगों को बहुत सारा टिप्स भी शेयर की हूँ। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं बहुत प्यारा सा चिकनकारी कुर्ती पहनी हूँ, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, एंड साथ में मेरा ये चिकनकारी दुपट्टा। इसको आप जैसे मैं इसके साथ जो पहनी हूँ, नीचे व्हाइट कलर का ये शरारा पहनी हूँ जो कि चिकनकारी का ही, बट आप अगर आप शरारा पहनना पसंद नहीं करते हो तो इसको आप पहन सकते हो जीन्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो चिकनकारी कुर्ती पहन सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, और अभी तो ट्रेंडिंग में बोलने से बोलते हैं ना एकदम A1 लगता है पहनने का, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है पहनकर। आप लोग कमेंट में बताना, एंड ये जो कलर है ना, ओ माई गॉड, मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद ही का नजर उतार लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। एंड साथ में मैं यहाँ पर फेक नेल्स लगाई हूँ, ड्रेस का मैचिंग देख सकते हैं। मैं बहुत दिन पहले मार्केट से परचेज की थी, ज्यादा प्राइस का नहीं, 100 का अंदर का, 60 या 70 रुपीज मुझसे लिए थे इसका। लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है ये, एकदम अनइजी लग रहा है, पता नहीं क्यों, मैं फर्स्ट टाइम लगाई हूं इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या पता नहीं, लेकिन फिर भी बस लगाने के बाद अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचती चलो कुछ रील्स शूट किया जाएगा इसको लगा के, देन इसीलिए मैंने इसको लगाया है। एंड वैसे अगर आपके साथ कोई हेल्पर है, कोई अगर आपको हेल्प कर रहा है मेकअप करने में और वो आपको ये सब लगा दे रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन मैं सब कुछ खुद से करती हूँ तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। पता नहीं आज के बाद मैं कभी लगाना पसंद करूंगी भी कि नहीं। खैर, ये सब अपना अपना मूड पे भी डिपेंड करता है, मन करता है तो लगा लिए, जैसे कि आज इतने दिनों के बाद मैंने इसको लिया था लास्ट 6 to 7 मंथ्स पहले, लेकिन आज लगा रही हूँ, मतलब होता है ना सब चीज का एक दिन आता है, वैसे आज इसका दिन आया है। खैर, ये सब बातें हो गई है, अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और साथ ही में वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बायोटिक का मॉइस्चराइजर, और ये बहुत ही लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर है, बिल्कुल इसको स्किन में लगाने के बाद फील नहीं होता है कि कुछ लगाई हूँ। और डे के टाइम मेकअप करेंगे तो बहुत कम प्रोडक्ट लेंगे, जितना कम में यूज़ हो सके उतना कम लगाएंगे, और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो देख सकते हैं मैं अच्छे से मॉइस्चराइजर को अपने फेस पर ब्लेंड कर ली हूँ, साथ में थोड़ा सा नेक पे भी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का प्राइमर प्लस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, 2-in-1 है, ये मुझे लोकल मार्केट में दिखा था तो मैं ले ली थी, इसका पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसका मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं बस 2 पंप, और ये जो प्राइमर है ना इसमें थोड़ा सिमर डाला हुआ है जो कि ना अंदर से बेस को ग्लो कर देता है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसका प्राइमर अप्लाई करके। एंड इसका जो फाउंडेशन है ये भी मैं 2 पंप लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। वैसे आप चाहें तो CCBB क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डे के टाइम कर रहे तो फाउंडेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है ये बिल्कुल कवरेज नहीं देता, एकदम नेचुरल नॉर्मल, आप देखना कोई अंतर कुछ फर्क ही नहीं पता चलता है लगाने के बाद। मतलब एक तरह से बोलो जिसको फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, बस हल्का सा फेस पे ब्राइट चाहिए, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड मैं पहले इसको एक तरफ हाथ से ब्लेंड की एंड दूसरी तरफ मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड की, क्योंकि मुझे ब्रश का आदत हो गया तो जल्दी हो जाता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का लिप बाम ली, अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर ली हूँ, और आप देख सकते हैं जो मेरा फेस है बिल्कुल नेचुरल दिख रहा था फाउंडेशन लगाने के बाद, बट मुझे थोड़ा ब्राइट चाहिए था क्योंकि मुझे थोड़ा रील्स वगैरह भी शूट करना था, इसलिए मैं यहाँ पर मैबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ की, जिसको अप्लाई करने से मेरा फेस पे एक ब्राइट आ गया। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर एक स्पंज लो और पूरे फेस को अपना फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं, इस कॉम्पैक्ट से ज़्यादा का जरूरत नहीं है, और ये उगता भी नहीं, बिल्कुल सेट हो जाता है आपके स्किन में। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट से अपने आईब्रोज को फिल कर ली हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लश पैलेट ली हूँ जो मेकअप रेवोल्यूशन का है, जिसमें बहुत प्यारा प्यारा सा सेट्स है, तो इसमें से बहुत लाइट सा सेट उठाकर मैं अच्छे से अपने आईज पे पूरा ब्लेंड करती हूँ, बिल्कुल नेचुरल दिखे, कोई ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ ज़्यादा किया है। एंड बहुत प्यारा सा सेट लेकर अपने गालों पे भी लगा लेती हूँ, जो कि मुझे ब्लश लगाना पसंद है, बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे हाइलाइटर स्किप कर दी क्योंकि मैं डे के टाइम रेडी हो रही थी इसीलिए, बाकी आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं। एंड उसके बाद मैं अपने आईज़ को थोड़ा पॉपअप होने के लिए अपना ड्रेस का मैचिंग अपने इनर कॉर्नर पर कलर लगाई हूँ पॉपर, आपने स्टार्टिंग में देखा कि मैं पॉपर ड्रेस पहनी हूँ इसलिए, तो यहाँ पर मैं बहुत प्यारा सा आईलाइनर विंग आईलाइनर लगा रही हूँ, तो यहाँ पर आईलाइनर भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, या फिर आप आईलाइनर को स्किप ही कर दो, सिर्फ मस्करा लगा लो, बहुत अच्छा लगेगा।
और मैं यहाँ पे वाइट काजल लगा रही हूँ ताकि मेरे जो आईज है वो और भी खूबसूरत दिखे। आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना है तो सिंपल सा एक बात बताती हूँ, आप हल्का सा अपने फेस पे कॉम्पैक्ट लगाओ, अपने आईब्रोज को जरूर से ज़रूर फील करो और मस्करा लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, बस इनफ है। आप देखना इतना सुंदर लगेगा, अगर नहीं कोई टोका तो फिर आप मुझे बोलना, बहुत प्यारा लगता है देखने में। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि मुझे दो गो में समझ नहीं आ रहा था, एक ब्राउन एक पीच, तो मैं यहाँ पर सोची चलो मैं पीच हमेशा लगाती हूँ, अभी मैं ब्राउन लगा लेती हूँ। तो ये मेरा लुक कंप्लीट हो गया। मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, उसके बाद मैं थोड़ा ज्वेलरी वगैरह पहन ले रही हूँ क्योंकि ये मुझे रील शूट करना था। बाकी अच्छा भी लगता है, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब स्मार्ट लगता है इतना कुछ अगर आप कर लेते हो। देन उसके बाद मैं अपने हेयर को थोड़ा स्ट्रेट कर लेती हूँ। ये फ्लिप्स का आयरन है, बहुत ज़्यादा कॉम वाला आयरन, बहुत अच्छा है। मैं बैठे बैठे कर रही थी और थोड़ा जल्दी में कर रही थी इसलिए मेरा उतना अच्छे से नहीं हुआ और थोड़ा मेरा हेयर टेढ़ा बेका भी हो गया था इसलिए। सो कैसे लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर मैंने फेक नेल्स भी लगा लिया है। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसे लग रही हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि राखी वाला दिन आप किस तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना फोटोज को पोस्ट करते हैं तो साथ में मुझे भी टैग करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजप्रिया29, NOV स्क्रीन पे भी मेंशन किया है। तो अगर आप पोस्ट करेंगे तो जरूर टैग करिएगा। और साथ ही में अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में अगर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग, जिसमें मैं अपने लुक भी शेयर करूंगी और मैं क्या पहन रही हूँ वो सब आपको उस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं उस ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।